गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास वर्ग वन में हिंदी व्याकरण जो आपका ये बुक है व्याकरण मुस्कान जो ये पढ़ाई है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। तो ध्यान से आप लोग सुने और इसको समझने का कोशिश करें। इससे पहले भी बच्चों आप लोगों को बताया गया था, पढ़ाया गया भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ाया गया था। जो पहला चैप्टर था भाषा और व्याकरण, दूसरा चैप्टर पढ़ाया गया वर्ण विचार, ठीक, वर्ण के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तीसरा चैप्टर है शब्द और वाक्य। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य के बारे में कि शब्द क्या है। कहता वर्णों का को मिलाकर, वर्ण जो हम लोग जितने भी स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े हैं उस वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। ओके, तो अगर शब्द के बारे में कहा जाए तो हम लोग कहते हैं प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर हम लोग कोई भी शब्द जैसे आम बोले तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, हमको समझ में आ जाता है कि आम क्या है, ठीक। तो जिसको हम लोग समझ पाते हैं, जिसका अर्थ हमको मीनिंग समझ में आ जाता है वो शब्द है। जैसे आइए क म ल का संयोग शब्दों के रूप में कर रहा है। तो कहता है जैसे हम लोग क को क म ल, ठीक, ये जो है अगर हम ये वर्ण है तीनों अगर मिला देते हैं तो कमल बन जाता है। तो कमल क्या है, तो वो एक फूल है जिसको हम लोग उसको कावर में भी जानते हैं, ठीक। उसी तरह क ल म तो अगर जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, कलम बन जाएगा, ठीक। उसी तरह ल म क अगर कर देते हैं इसी वजह ल म क कर देंगे तो क्या ये हमारा कोई वर्ड ऐसा है जो सुने हैं आप लोग, ल म क, क्या लमक कुछ है, कुछ नहीं है। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, कोई इससे कुछ हमको अर्थ पता नहीं पता चलता है। लेकिन कमल कलम ये अगर यदि हम लिखते हैं तो उससे हमको अर्थ का पता चलता है, मीनिंग पता चलता है। तो इससे क्या, कमल से क्या होता है, कमल एक फूल है, कलम क्या है, लिखने की वस्तु है, बट लमक जो है वो कुछ भी नहीं है। कहता है कि पर लमक को पढ़कर कोई भी चित्र हमारे दिमाग में नहीं आता क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसलिए यह शब्द नहीं है, शब्द बनाने के लिए सही वर्णों को सही जगह रखना बहुत आवश्यक है। सही वर्णों को सही तरीके से सजाएंगे तो मेरा एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। उस मात्रा वाले शब्दों में ध्यान से सही मात्रा लगा जाए। अब मान लीजिए कि किसी भी चीज में अगर यदि हमको लिखना है केला, केला लिखना हो, अगर हम यही चीज की मात्रा में क में एक आर की मात्रा हम जानते हैं कि केला लिखने के लिए हमको यहाँ पर हमको केल देंगे, ये मेरा केला हुआ। बट अगर हम यही मात्रा को अगर हटा के, अगर मात्रा हम यदि मात्रा का ज्ञान अगर ना हो, अगर हम इसी चीज को मात्रा को यहाँ पर अगर हटा दें क्या हो जाएगा, कलों, तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो इसलिए कहता है कि मात्रा जो हम लगाते हैं किसी भी शब्द में मात्रा लगाते हैं तो मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए। तो कहता है वर्णों का ऐसा भेद, शब्द को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, अगर पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं उसको, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ अवश्य निकले, जिसका अर्थ अवश्य हो, मतलब जिसका अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द कितना होता है, शब्द दो प्रकार का होता है। शब्द कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है सार्थक, एक हुआ सार्थक और दूसरा हो गया निरर्थक। ये हो गया हमारा दूसरा, हो गया निरर्थक। तो ये सार्थक में अगर हम लोग यहाँ पर देखिए गलत हो गया, ये हो गया आपका सार्थक में हम लोग दंत स देते हैं, ठीक। तो दो शब्द, दो प्रकार का शब्द हुआ, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक किसको कहेंगे, कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, कुछ शब्द ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया है कि एक किए जाने पर भी सार्थक हो जाते हैं। यदि अगर हम किसी सार्थक शब्द के साथ अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो वो उसका सार्थक, इसका मीनिंग सार्थक हो जाता है, वो भी सार्थक होता है, इसका अर्थ देने लगते हैं, इसका मतलब मीनिंग समझ में आ जाता है कि क्या बोला गया। जैसे कहता है कि माता, माता जो है हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, माता बोलता है पवन आज तुम कहां से आ रहे हो, तो पुत्र कहता है मम्मी आज मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए शब्द को वाक्य के रूप में कैसे कह रहा, माता क्या तुमने वहां चाय वाय पी, तो चाय तो आप लोग देखिए शब्द क्या हो गया आपका, चाय, चाय आप लोग पिए और ये क्या हो गया वाय, तो चाय तो हमको जानते हैं कि चाय का मतलब समझ में आ रहा था बट ये वाय का मतलब नहीं समझ पाया,
वाई का कोई अर्थ नहीं निकला। तो बट हम लोग कहता ये इसका हमारा चाय के साथ वाई जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग कुछ शब्द उस वाक्य से हमको पता चल जाता है और वही उसका सार्थक के रूप में आ जाता है, तो सार्थक में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता पुत्र कहता जी मम्मी, ठीक जवाब दिया जी मम्मी, क्या चाय वाई पी, तो कहता जी मम्मी। फिर उसी तरह हम लोग कहता है माता कहता है रोटी वोटी खाई, तो रोटी तो जानते हैं कि रोटी हम लोग जानते हैं समझ सकते हैं बट वोटी नहीं समझ सकते हैं। तो कहता है फिर पुत्र कहता जी मम्मी क्या अब किताब विताब पढ़ोगे, किताब तो समझ में आता है लेकिन विताब नहीं समझ में आता है। तो बात विताब का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये जिसका अर्थ ना निकलता हो उसका हम लोग जो है सार्थक के साथ में जोड़ देते हैं तो उसका वाक्य में हमको समझ में आ जाता है, वो भी एक सार्थक का रूप पकड़ लेता है। ये चाय वाय रोटी वोटी और किताब विताब, कहता चाय तो पेय पदार्थ है पर वाय क्या है, कुछ नहीं है। भूख लगने पर रोटी खाई जाती है पर रोटी क्या है, कुछ नहीं है। बट कहता परीक्षा आने पर किताब पढ़ी जाती है पर किताब क्या है, विताब क्या है। तो कहता है कि कुछ उदाहरण है, कुछ फल वल खाओगे क्या, अब से वाक्य देखिए कैसा वाक्य बताया जा रहा है, कुछ फल वल खाओगे क्या, क्यों ठीक ठाक होना। अब यहाँ पर हर आदमी बोलता तो है ठीक ठाक हो ना, तो ठीक तो ठीक समझ में आया, ठाक क्या होता है, कुछ नहीं। बस वो सार्थक के साथ में जुड़ जाने पे वो भी एक सार्थक का रूप पकड़ लेता है। गर्मी बहुत है कुछ पंखा वंखा है क्या, वंखा क्या होता है, नहीं। क्या खाना वाना खाया जाए, क्या सार्थक शब्द अर्थ रखने वाले शब्द, वैसा शब्द जो अर्थ रखा जाता रखा जिसका अर्थ होता है, अर्थ रखने वाले शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं सार्थक कहलाते हैं, चाय रोटी किताब। कहता निरर्थक शब्द किसको कहेंगे, वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने पर, प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं बट उसका अर्थ नहीं देता है, अर्थ प्रयोग किए जाने पर अर्थ नहीं देते उसे निरर्थक कहते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता, वाय कोई अर्थ नहीं, उसको हम लोग निरर्थक कहते हैं, वाय वोटी किताब जो हम लोग पढ़े। तो कहता देखे तो कुछ देखिए यहाँ पर लोगों को दिया हुआ है, अब यहाँ का वाक्य में बताया गया है, यहाँ देखिए लड़की जो है कुछ फिगर भी दिखा रहा है, लड़की कुछ कर रही है, कहता पूजा गाना गाती है, घोड़ा दौड़ता है, बच्चे खेलते हैं, मम्मी सब्जी लाई। तो यहाँ तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, तो दो या दो से अधिक देखिए कोई भी वाक्य जो हमारा बना क्या दो या दो से अधिक कितने 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 शब्दों से बना है, ये सब शब्द में आता है, ठीक। और शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो वाक्य बन जाता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, या भाषा की सार्थक इकाई है, जब हम जब उसको मेल मिला देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है, ठीक। वाक्य का कोई अर्थ नहीं आवश्यक है, अर्थ का कोई आवश्यकता नहीं उसका अर्थ कहता वाक्यों के जिस समूह से पूरी बात समझ में आ जाए, जो भी वाक्य बोलते हैं अगर हमको उसकी मीनिंग समझ में आ जाए, अगर उसका अर्थ समझ में आ जाए यानी बात समझ में आ जाए तो उसे हम वाक्य कहते हैं। यदि वाक्यों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो उसे वाक्य नहीं कहते, जिसको वाक्य का कोई अर्थ ना निकले, जिसको समझ ना पाते हो, इस बात को हमको समझ ना पाए वो वाक्य नहीं हुआ। कहता जैसे आप देखिए उल्टा पुलटा शब्द में दिया गया है कि आया मैं मोहन घर, क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है, नहीं ये इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर दूसरा वाक्य कहता खाना वहां है रही न बना, पहना कोट ने रवि, बिल्ली चूहा ने पकड़ा। अब इससे आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो वाक्य आपको सही लग रहा है, ये सही समझ में आ रहा है कि वाक्य में सही वाक्य बोला गया, नहीं। तो ये सब जितने भी वाक्य आपको बोला गया इसमें बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए वह वाक्य नहीं कहे जा सकते हैं, इन्हें इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। जैसे जैसे आया मैं मोहन, इसको कैसे लिख सकते हैं, मोहन घर में आया। उसी तरह खाना खाना माँ है नहीं बना, तो माँ खाना बना रही है। उसी तरह का बोला गया था पहना कोट ने रवि, रवि ने कोट पहना, बिल्ली चूहा ने पकड़ा, बिल्ली ने चूहा पकड़ा, ठीक बिल्ली ने चूहा पकड़ा, तब ये सही वाक्य है। तो बच्चों आप लोगों को ये अभ्यास कार्य में कुछ सब दिया गया है, इसको आप लोग ढंग से फिर से पढ़ेंगे समझने के लिए, जितना तक आपको समझ में आ ही गया होगा फिर से इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसके अभ्यास कार्य में जितने क्वेश्चन आंसर दिया गया है इसको आप लोग फिर अपने से बनाने का प्रयास करें, जहां तक बनता है सही है, नहीं तो फिर आप लोगों को आंसर दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।